हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे मलाई से घी और मलाई के पानी से पनीर। उसके लिए हमारे पास 15 दिन से इकट्ठा किया हुआ मलाई था। मलाई को हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। फिर हम उसमें 1 गिलास नॉर्मल पानी डालेंगे, क्योंकि मैंने मलाई को फ्रीजर में रखे थे इसलिए हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। फिर हम 1 मिनट तक मिक्सी को चलाएंगे और हमारा मक्खन बनकर रेडी हो गया। फिर हम उसको हाथ से मक्खन को निकाल लेंगे और मक्खन को दबा दबा के मक्खन के से पानी निकाल देंगे। फिर हम सारे पानी को एक बॉल में रख लेंगे। फिर हम मक्खन को पिघलाएंगे, मक्खन से घी बनाएंगे। पहले 5 मिनट तक आप हाई फ्लेम पे मक्खन को बॉयल कीजिए। देखिए, हमारा मक्खन अब गर्म हो गया और इससे घी निकलना स्टार्ट हो गया। आप करछी से हिलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, मक्खन से घी निकल गया, लेकिन ये अभी कच्चा है। ये ऐसे घी खराब हो जाएगा। इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप इसी तरह से इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। देखिए, घी बन के तैयार हो गया है। इसको हम और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सके। देखिए, घी बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम छानेंगे। देखिए, घी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। इसको मैं एक कांच का बोतल में छान रही हूँ। आप किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन ये कांच में घी अच्छे से स्टोर करके रख दीजिए, ज़्यादा दिन तक चलता है। देखिए, मैं सारे घी को छान लिए हैं। फिर हम चम्मच से जो इसमें बचा हुआ घी है उसको भी दबा कर निकाल लेंगे। हमारा घी बन के तैयार हो गया। अब हम इससे पानी से पनीर बनाएंगे। उसके लिए पानी को बॉयल कर लेंगे। मैंने पहले से ही नींबू का रस निकाल लिए थे। फिर उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के सारा पानी डाल देंगे दूध में। फिर इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। देखिए, दूध फट गया है पनीर। अब इसको हम एक कॉटन का कप रुमाल में डाल देंगे और पानी से इसको हम धो देंगे ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए। फिर इसको हम एक गांठ बांध लेंगे। इसमें हम वही जिसमें हम बॉयल किए थे दूध, उसी से हम इसको सेट होने के लिए डाल देंगे पानी भर के। देखिए, पनीर बन के रेडी हो गया है, सेट हो गया है पनीर। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए, कितने अच्छे से पनीर बन के तैयार हो गया है। मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा पनीर बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।